स्वागत है तुहाडा अज्ज दे देश प्रदेश प्रोग्राम दे विच। टॉपिक कैनेडा यूएस और आस्ट्रेलिया हैगा। गलबात उन्हां विद्यार्थियों की जिहड़े फिक्रमंद ने विदेश जाण वास्ते, और स्पैशली तुहाडे नाल नाल असीं भी थोड़े फिक्रमंद हो गए हाँ। काफ़ी सारे रेडियोज़ के उपर अजकल टॉक शोज़ चलते हैं कि बच्चे ने इत्थे जिहड़ी एजुकेशन की है उस तो बाद अगली फरदर एजुकेशन कि करनी है। हैरानी की गल है कि मैं काफ़ी सारे टॉक शोज़ सुने, पंजाब का जिहड़ा स्टूडेंट्स विदेश नहीं जाना चाहता, इत्थे रहना चाहता है, वो बहुत कन्फ्यूज़ होया हुआ कि अगे की करिए, कि जॉब मिलेगी इंडिया के पंजाब के जॉब कि मिलेगी, फ्यूचर कि बैटर है। सो इस तरह का चिंता का विषय भी है और एक सोचने वाली गल है कि इस तरह के प्रोग्राम्स पंजाब के घट ने। इंटरनेशनल एजुकेशन को लेकर हर कोई चला रहा, असी उपराला जिहड़ा हैगा बहुत जल्द कर जा रहे हैं कि पंजाबी स्टूडेंट्स जिन्होंने इंडिया के पंजाब के नॉर्थ इंडिया जॉब करनी है, अच्छी जॉब्स लेनी है, उन्होंने वास्ते असी कोशिश करेंगे। पर अज्ज दा टॉपिक एक विलक्षण रहेगा, कैनेडा के आस्ट्रेलिया के यूएसए के अपनी सैटलमेंट वर्क और एजुकेशन और उस तो बाद वीज़ा जिहड़ा हैगा किवें लेना, स्टैप बाय स्टैप जिहड़ा हैगा तुहानूं दस्सांगे। सी गौरव जी मेरे नाल ने, सैटिंग अबराउड तों बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जी। सत श्री अकाल जी। करो जी, कैनेडा की शुरुआत कर लईए, इस वक्त किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं? बहुत वड्डे पद्धर के उपर 5.5 की रिफ्यूजल्स देखने को मिल रही है इस वक्त सामने। देखो मैं पहले भी इस बारे गल कही सी तुहानूं कि 5.5 ते फाइल सिर्फ 5.5 नूं समझ के लाउणा ठीक नहीं है। 5.5 ते फाइल लाउण दे विच हमेशा असीं गल समझाई बच्चे नूं कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, स्टेटमेंट ऑफ परपज और फंडिंग, इनका बहुत वड्डा रोल है। बच्चों नू मैं अजे कैड देख रहा उस तो लिख रहा सी नो जी आई सी रिक्वायर्ड एट 5.5 बैंड। जी आई सी क्यों नहीं करवाता बच्चा सैटलिंग अब्रॉड? मेरा की व्यू रहा, मैं जिनी 5.5 ते जनरल दे फाइल लाई, कोई भी विदाउट जी आई सी नहीं लाई। क्योंकि जदों असी जी आई सी बच्चे की करा सकते हैं, यूनिवर्सिटी करा सकते हैं। हुण बच्चा एक गल तो साडे नाल लड़दा भी यूनिवर्सिटी की फीस ज़्यादा है, मैनू डिप्लोमे ते फीस घट मिलती है, पर डिप्लोमे ते बच्चों नू मैं, कई बच्चे काउंसलिंग लैके वापस भी चले जाते हैं, पर मैं बच्चे नू ये समझाना चाहना कि वीज़ा लैन लई कुछ तो आपां एक शर्त नहीं पूरी कर रहे, उसकी भरपाई किदां कर रहे हैं। सर गल ये है, मैं एक दिन पहले भी उदाहरण दी सी कि कार है, चार टायरां ते चलदी है, उस तेल पैदा, उस इंजन है, अपने अपने जिहड़े पुरजे ने अपना अपना काम करते हैं, तद जाके असीं एक तो दूजी थां पहुँच पाउंदे हां। वीज़ा लैण दा भी एक साधन हुंदा है साडा, कि साडी अकैडमिक परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए है, फंड साडे कोल होने चाहिए ने। फंड दा मतलब की है? शो थोड़ा करना है कोई असीं फाइनैंसर तो पैसे चक के दिखाते, फंड दा मतलब है साडी कपैसिटी है विदेश जाके पढ़न दी, 5-7 साल दे विच जिहड़ा पैसा असीं खर्चना उह साडे कोल हैगा। आइल्स रिक्वायरमेंट पूरी है जी, जी आई सी उन्होंने मंगया वो खिलाना है। एक कौन कौन ऐड ला रहा है कि जी आई सी तो बिना बच्चा जो कैनेडा जा सकता है? बिल्कुल, मैं चलो नाम नहीं ले सकता। एसपीपी दी? नो, एसपीपी दी नहीं, जर्नल दे विच। चलो जर्नल दे विच तो खैर फंड भी शो हो सकता नहीं, पर बच्चों को है नहीं ना रणबीर जी। प्रॉब्लम इतने कि जिस को जेन्युइन फंड है, 5 महीने पुराने, 6 महीने पुराने, 3 महीने पुराने, जायज है। जो नवी एफ डी बना के नवे पैसे पा के ला रहे, वो फंडिंग किदा प्रूव कर दूगा? और थोनू पता होगा जे जर्नली तुसी फंडिंग लाओगे तो उनके इक्वलेंट इनकम सोर्स भी लाना पड़ेगा। हुण इनकम सोर्स किसी को नहीं है, वह कैवें बना लूगा, पुरानी आई टी आर कैवें कर दोगे? ये सारी चीज़ों लिए इसलिए मैं बच्चों को कह रहा कि जर्नल दे विच जो रणबीर जी ने गल कही कि रिफ्यूजल रेट ज़्यादा क्यों है और या ज़्यादा क्यों आया रिफ्यूज़, ये पहले भी दस्या गया सी कि जर्नल विच सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, जी आई सी और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ए और स्टेटमेंट ऑफ परपज ये लिखा आता कई बार रिफ्यूजल लैटर ते कि तुसी रिसर्च नहीं की खुद, यानी स्टेटमेंट ऑफ परपज सही नहीं सी। तो इसलिए बच्चों को ये विनती है कि जो इसलिए कंसल्टेंसीज खुलियां ने, एक्सपर्ट्स को जाया करो, क्योंकि जदों एक नॉन एक्सपर्ट आदमी, नॉन प्रोफेसनल आदमी थोड़ी फाइल लाएगा, उस दे विच ये कमियां आनगे ही आनगे। बिल्कुल गल ठीक है तुहाडी, जिहड़े चार तुसीं पॉइंट बोले कि इंस्टीट्यूट माड़ा चुनना। हुण असीं गल करिए कि एस पी पी दे विच तां चलो एक सिलेक्टेड 46 तो 47 कॉलेजां दी जिहड़ी हर साल वेरी करदी है, उपर भी चली जाती है, थले भी आ जाती है, वो एक लिस्ट वक्री है। जदों असी जनरल वल गल जाती है साड़ी, उत्थे दो कैटेगरियां कॉलेजां दी आ जांदियां, प्राइवेट और सरकारी। जदों तुहाडे कोल ऑप्शन सरकारी दी है, बच्चा जांदा क्यों प्राइवेट च? मैं नहीं कह रहा कि प्राइवेट कॉलेजेस माड़े ने, बट गल आ जांदी कि सक्सैस रेट नहीं है। बिल्कुल, देखो कुछ चीज़ां लई देखो नैट ते या एम्बेसी दे तुहानूं रूल्स प्रोविजन दिखाया जांदा है कि हाँ ये वैलिड है जी, वो वैलिड कोई होर कंट्रियां वास्ते, मान लो यूरोप तो बच्चा जा रहा है, चाइना तो बच्चा जा रहा है, जापान तो बच्चा जा रहा है, उनके लिए प्राइवेट कॉलेज या एक साल का जो कोर्स है वो वैलिड है। जो बच्चा साड़ा पंजाब तो जाता है और पंजाब की एम्बेसीज उन्होंने वैलीडेशन नहीं मंगदियाँ, वो मंगदियाँ ने कि एक साल में बच्चा कैनेडियन एजुकेशन
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਜਾਂ ਪੀ ਆਰ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 40-40 ਆਵਰਸ ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ 20 ਆਵਰਸ ਐਗਜੈਕਟ ਹਾਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਅਲਾਉਡ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 60% ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਬੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਨੇਪਾਲੀ ਲਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਡਿਫਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਡਿਫਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਆ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਆਰ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਲਸ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫੀਸ ਵੇਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਡਰੋਪ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਨ ਵੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਫ ਪਰਪਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਆਏ 5.5 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜੋ 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਈ ਵਾਰ 2-2-3-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ GIC ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਫ ਪਰਪਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ
मैं तुम एक अंदर खाते की थोड़ी जी कनेडियन थिंकिंग दसदा कि उतों ब्यूरोक्रेट्स सरकार इंस्टीट्यूशन जी एजुकेशन बॉडीज ने वो की सोच रही हैं इस वक्त। देखो बच्चे की जरूरत गौरव जी उन्होंने पैनी पैनी है, बिल्कुल हले आने वाले 15-20 साल कैनेडा ज्यादा भी हो सकता है दरवाजे बंद नहीं करेगा, टाइट कर सकता है, 5.5 नूं बंद कर सकता है, हो सकता है इंडिया दे विच पंजाब नूं बैन करे, सख्ती करे, वक्रियां गल्लां पूरे विश्व दे विच उन्हां नूं बच्चे चाहिए ने। जरूरत जां समझण वाली इस वक्त यह चीज़ है कि उन्हां लई तुसीं इन्वेस्टर हो, 7-8 लाख रुपया तुहाडी फीस हुंदी है डिप्लोमे वाले बच्चे की, साल की 3-4 लाख रुपया सेमेस्टर की है, 7-8 लाख रुपया तुसीं खा पी जाने हो। जिहड़ा बच्चा एक साल का कोर्स लैके जाता उन्हां नूं थोड़ा जिहा वीज़ा रिस्की हुंदा है, रिस्की हुंदा है, ड्यूरेशन कोर्स जिन्ना छोटा होगा वीज़ा रिस्की है। आस्ट्रेलिया का कंसैप्ट भी बन गया इस वक्त, न्यूजीलैंड का भावें नहीं है हले, यूके का और कनेडा का और यूएसए का स्पैशली है। डिग्री वाले ने क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि कल्चर सीखूगा बच्चा अगर पढ़ाई अच्छी करूगा, और इन्वेस्टमेंट गुणा कर लो 3 या 4 साल नाल, जे 15-16 लाख रुपया भी खर्च दो 15-30, 45-48, 50 लाख रुपया तुम उन्होंने बिल्कुल रेवेन्यू 5 मिलियन जिहड़ा हैगा रेवेन्यू क्रिएट करोगे, हाँ ठीक है ना, रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हो, ये चीज़ समझो। छोटे ड्यूरेशन के कोर्स उन्होंने पता कि भविख की है, ना स्टडी करनी, ना ने वर्क करना, ना एक सैटल होना है। सो एक मतलब किसी नैट पर चीज़ नहीं लिखी हुई कि डिग्री वाले वीज़ा मिलेगा, थोड़ी जी समझने वाली चीज़ बिल्कुल होता है, ये भी कहते हैं कि 3 महीने का लैंग्वेज कोर्स करना जो वीज़ा मिलता है, 6 महीने का कोर्स करना जो वीज़ा ले सकते हो, तुसी किसी भी सैमीनार ते भी सीखने लिए 10-15 दिन का वीज़ा ले सकते हो, पर वो किन्ना ली है, टर्म्स एंड कंडीशन की है, हर गल नैट ते साफ नहीं होंगी, और काइंडली नैट ते हर गल थानू सही तरीके नाल नहीं एलोबरेट की जा सकती, नैट ते सिर्फ ये लिखे कि हाँ इस ड्यूरेशन में वीज़ा आता है, पर वीज़ा किसका आता है, थोड़ा आएगा कि नहीं आएगा, ये थानू एक्सपर्ट दस सकता है। बिल्कुल दूजी चीज़ हमेशा उस कंसनटेंसिस या उस बंदे का हाथ फड़ो जो जो मल्टीपल बंदे नाल जुड़े हुआ है। लेट सपोज मैं एक चीज़ का माहिर हाँ, अगर मैं उस चीज़ का माहिर हाँ ऑटोमैटिकली मैं दूजियां तो राय लैनी घट कर दाँगा। हमेशा पैनल ते किन्ने बंदे काम करते हैं और उस दे विच उस फील्ड के एक्सपर्ट्स किन्ने ने, और सब तो बड़ी प्रॉब्लम बच्चों नूं की आ रही है कि बच्चों नूं अजकल मैनू बच्चे फोन करते हैं कि सर तुसी मिलन दे 2-3 हज़ार रुपये लाओगे कि नहीं। अजकल बच्चों असैसमेंट दे भी पैसे लिते जा रहे हैं, किसी तो कोई 1000 मंगता है, कोई मिलन का 2000 मंगता है, कोई 3000 रुपये। मैं गौरव जी इतने थोड़ा डिफर करता कि चलो प्रोसैसिंग फीस का लेना एक वक्री गल है, प्रोसैसिंग फीस के बदले दे ही रहे हैं असं, इसमें सिर्फ एक अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, जब तुहाडे कोल गुण भी है उन्होंने दस भी रहे हो कि भूगोलिक जोग्राफिकली कैनेडा किहो जिहा है, कितने बर्फ पैंदी है, कितने ऑयल पेट्रोलियम की गल हो रही है, कितने लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट कामयाब है, कितने कुकरी कामयाब है, तुहानू पता भी है इस चीज़ का। जब तुम वो चीज़ा दस रहे हो जिहड़ियां बच्चा नैट ते ही पढ़ सकदा, तुहाडे कोल जां तां तजर्बा होवे, 2-4 हज़ार लेना कोई डर नहीं, मैं कहना कंसल्टेंसी फीस लो। कंसल्टेंट का मतलब ही यही होंदा कि पैसे दे के सलाह लैनी, डॉक्टर तो भी असीं दवाई लैन जांदे आ, कंसल्टेंट करदे आ उहनूं असीं अपने टेस्ट कराने लैबोरेटरी जो दे पैसे पे करते हैं, बट उहदा रिजल्ट तां आउंदा ना एथिकली, और एथिकली सानूं समझ आउंदा। दूजी गल रणबीर जी, किन्ने सालों तो बंदा देखो डिग्री पढ़ाने वास्ते खुद जो है मास्टर किया होना जरूरी है, बेसिक समझ होनी चाहिए है। हुण वो बंदे मैं बहुत बार इस गल्लां दे, मैं ये नहीं कहिंदा कि नवें बंदे नूं चांस नहीं मिलना चाहिए काम करन दा, बट वो बंदे जिन्हां दा मैक्सिमम मोटिव सिर्फ अपनी 10-15 हज़ार फीस लेना है, जिन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा कि थोड़ा वीज़ा आए या ना आए, क्योंकि वो डायरेक्ट रीप्रजेंट नहीं करते कॉलेज नूं, वो थोड़े नाम तो फाइल बन के ऑफर लैटर अरेंज करके ला देंदे ने, छोटे छोटे ऑफिस खोले हुए ने, 5-4 जने मिल के काम कर रहे हैं, कोई पटियाले बैठा है, कोई एक ऑफिस चंडीगढ़ खोल लिया, एक ऑफिस अमृतसर खोल लिया, छोटे छोटे फ्लोर लैके 3-4-5 बंदे काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली थोड़ा जो है वो थोनों रिस्क विच पा देंगे, क्योंकि एक आदमी एक टाइम पे 5-6 जगह पर ध्यान नहीं दे सकता, ये एक्सपीरियंस नाल आता है, जगह के नाल नाल फाइलों पर भी ध्यान नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तुसी एक दिन की एक या दो फाइल चक दो समझ आती है, वह रात को तैयार हो गई, वो पाती अगले दिन एक चक ली, दो चक ली, कई कंपनीज के दिन 15-15-20 फाइलां सबमिट होंदियां है। मैं नहीं कह रहा कि कारोबार करना माड़ा है, तो तुहाडे लई एक धंधा है, पर बच्चों का एक भविख है, तुहाडे लई धंधा हो सकता है, बच्चों लई एक भविख है, वो तुहानू एक फाइल दे के जांदा, उहदे उपर असीं नज़र भी नहीं मारदे। बड़ा दुख होया पिछे जे एक बड़े च नामी कंसलटेंट्स की फाइल देखी जी, 7.5 बैंड नाल बच्चा रिजैक्ट सीगा, और आई थिंक 67% बच्चे दे नंबर सीगे,
इस तरह प्रोफाइल्स जो रुलदियां ने ना फिर कंसलटेंट्स का नाम खराब भी होंगे और साढ़े जो लैवल्स लगता है पंजाबियों के उपर कि असं ठगियां मारते हैं अंबैसी गलत कागज़ पेश करते हैं कंसलटेंट्स पंजाब के लुटते हैं लोगों को इतों ही यही चीज़ा तो शुरू होंगे इतों ही शुरू हो और बंदे नू पहले दिन देखो थोड़ा जा बच्चों भी समझना चाहिए कि वह पहले दिन तो अवेयर रहे वो हमेशा ये सोच के एक कंसलटेंसीज तो ना निकलन या ये सपना अगर थोड़ा कोई कंसलटेंट दिखाता भी है कि थोड़ा वीज़ा 100% लग गया जी आ गया जी ये चीज़ा सोचन ना ये भी जरूर उन्हें डिस्कस करन कि लैट सपोज मैं ये जो प्रोसैस है फॉलो करता कि वो प्रोसैस फॉलो करन विच मेरा मैं अगर वो प्रोसैस थ्रू नहीं होंदा लैट सपोज वीज़ा नहीं आता तो मेरा टाइम तो मेरे पैसे का कितना नुकसान होएगा वो भी जरूर रिटर्न दे विच लैन ताकि थोनू समझ आए थोनू पहले दिन पता होए कि अगर मैं इस प्रोसैस नू फॉलो कर रहा देखो मैं नहीं सोचता कि कोई यहोजा कंसलटेंसी होएगी जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा दिस इज़ नॉट पॉसिबल हाँ उसका नहीं होगा जिन्हें फाइल नहीं लाता होएगा हम जैमे वक्फ मंडराले ने थोड़ी फाइल कट्ठी करके सट देंगे ने फिर साल के बाद थोड़ा वापस कर देंगे ने हाँ उन्होंने कोई रिफ्यूज़ नहीं होया क्योंकि वीज़ा लाया ही नहीं क्योंकि जो टीम खेडती है वह हार दी जरूर है ये स्पोर्ट्समैनशिप है हुण इत्थे जरूर पुछो कि मेरे किन्ने क पैसे का नुकसान होगा मेरे टाइम का की नुकसान होगा उस दे विच तुहानू समझ आ जाएगी बिल्कुल ठीक है गल तुहाडी बहुत 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 चीज़ा ऐसिया ने पंजाब दे विच कि गोल मोल गल्लां कर लईआं जांदियां रिटर्न कर लो तो चंगी गल है कि जी फीस जिहड़ी हैगी है जे $10,000 जा रही है किसी भी देश आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैनेडा की गल कर लईए कि घट के किन्नी आएगी बच्चों नूं उदों पता लगता है कि जी मेरा लख फीस चो कट गया फंड दे फाइनेंसर ने खा ले जी लख रुपया और इतों आ लग गए जी उतों आ लग गए जी 2-2.5 लाख चो रगड़ा जाता है सो इस चीज़ का थोड़ा जा ध्यान रखना जो यूएसए देश है इतने एक न्यूजीलैंड दे वाली पॉलिसी है कि सिर्फ अंबैसी फीस सर्विस फीस भर के असी I-20 की फीस भर के एक एक्सपैरीमेंट कर सकते हैं कि वीज़ा लगता है जो है नहीं लगता पर दुखांत यह है कि यूएसए के अपलाई करने वाले बच्चे भी लख लख 2-2 लख रुपए के रगड़े जाते हैं एन बिल्कुल ही सच्चाई है जो कि 25-30 हज़ार रुपये का काम है थोड़ा या 40 हज़ार रुपये का काम है जो तुम एक एक्सपैरीमेंट कर सकते हो इंटरव्यू दे सकते हो ठीक है कि कंसलटेंट ने बाद 50 हज़ार लेना कि लख लेना वो एक काबिलियत है हिम्मत है अपना एक रेट हो सकता है पहले ही यूएसए के नाम से ठगी बज रही है जी इत की करे बच्चा देखो रणबीर जी जो यूएस है इस दे विच पहले बंदे नू बिल्कुल समझ आनी चाहिए है एक तुसी हिस्ट्री जरूर फरोल लिया करो एक जिस कोल कदे कंसलटेंसीज कोल जाने हो हिस्ट्री करो मैं मैक्सिमम एक फाइल तैयार करदा जिसनू मैं कंपीटीटर फाइल कहना उस दे विच मैं देखदा कि किन्ने एक लोग कम कर रहे हैं और किस किस कंट्री का काम कर रहे हैं हमेशा यह सोचो लैट सपोज तुसी मोहाली या अमृतसर विच ए नामक कंपनी को जाने हो हुण ये देखो कि ये लास्ट किन्ने साल तो यूएस कर रही है इदा तो नहीं अज तो साल पहले न्यूजीलैंड की ऐड आती सी उस तो साल पहले कैनेडा की ऐड आती सी अज यूएस से शुरू होया तो यूएस की ऐड आ गई इन्ना मतलब वो बंदा एक्सपर्ट नहीं है वो मौके पर चौका मारन वाला बंदा जिन्हों मतलब सिर्फ मौके पर फाइलां कठन करन तो है वो दूजी चीज़ उस दे विच मैक्सिमम चांस रहेगा कि तुहाडी फाइल जिहड़ी है वो फस जाएगी गल आ गई फंडिंग दी अगर थोड़ा कंसल्टेंसी रियलिस्ट तुहानू हैल्प करके देना चाहती है तो उन्हें कहो मैनू एजुकेशन लोन करा के दे प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन करा दे वो तो हैल्प नहीं गौरव जी वो तो एक उहदा एक वक्खरा धंधा है शहर तो 10 किलोमीटर एक छोटा दफ्तर खोलिया हुंदा फाइनांस दा एक्चुअल वीजे दे नाम दे उपर उन्होंने फाइनांस करना हुंदा बिल्कुल क्योंकि उत्थे 50,000 लाख रुपया बच्चे ने वापस मंगना नहीं जो तो फंड शो किए जी ने वीजे पिछे उन्हें रौला पा लेना सर मेरे तो पैसे का दे ले किस चीज़ के ले सो दोहरे दोहरे बिजनेस व्यापार चल रहे हैं और बच्चे एक दे जेब दे विचों बेचारे दे वीजे दे नाम ते और फंडा दे नाम ते जिहड़े पैसे ने ओह कढ ले जांदे ने पर दुखांत इस चीज़ दा गौरव जी कि इन्नियां मीडिया होण दे बावजूद इन्नी अवेयरनैस होण दे बावजूद बच्चा फंड जेनुइन शो क्यों नहीं करता बच्चा फाइनेंसर कोल क्यों नहीं जांदा 6 महीने पहला तैयारी नहीं करता एक नुकसान बिल्कुल सब तो वड्डी गल देखो रणबीर जी साडे बहुत से बच्चों कोल ना जो साडा हुण कल्चर हो चुका है ना या जो साडी सोसाइटी हो गई है वो ना शो ऑफ दी ज़्यादा रहेगी रणबीर जी पिछे कुछ नहीं है हुण मैं बुरा नहीं मानना चाहिए किसी मेरी गल का बहुत वड्डी वड्डी गड्डियां लोगों को ने पर किश्तां दे ने और शायद वो किश्तां भी टाइम ते नहीं जांदियां बहुत बंदे बहुत अच्छे कपड़े पाउंदे ने पर वो कर किराए ते ने उन्हां को
फोन तो उन्हां कोल फोन तो सैवन ने पर टैक्सट मैसेज नहीं कर सकते, 1 रुपया लगता, बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत 50,000 का भी चैक पास नहीं हो सकता उन्हां दा। तो ये चीज़ा मैं मानता कि मिडल क्लास फैमिली जो हैगी है वो 25 से 26 लाख रुपए 6 महीने तक स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि उसको नहीं होता। फिर आखिर उन्होंने अपने बच्चे कितने का भेजना ही है, वो फिर फाइनेंसर की गल मानता करता। देखो मैं उस स्टूडेंट या बच्चे ये गल कहना चाहना कि बैंक थोड़ी हेल्प करने तैयार है, तुसी एजुकेशन लोन क्यों नहीं लेंदे? दूजी चीज़, तुसी फंड के ना तो एकदम अपने अकाउंट पैसे पवा देंगे, वो किदा प्रूव करोगे? थोड़े नाल इतों तक होंगे कि सूँ एफ डी बना के दे दी जाती है, ऑडी करा के पैसे कट लेते जाते हैं, उदो थानू कहा जाता कि ये बैंक मैनेजर साहब बैठे ने जो मर्जी वेरीफाई कर लो, वो थानू तो वेरीफिकेशन दे देंगे ने अपने कोई 10-20 पैसे पिछे, पर जो अंबैसी पुछती है उदो साफ ना कर देंगे ने, क्योंकि अंबैसी ने किहड़ा थानू दसना। आस्ट्रेलिया भी होया पर बहुत वड्डी धांधली इत्थे न्यूजीलैंड हुई है, 25-30 लाख रुपया फाइनेंसरां तो लैके बैंकां च रख्या, जिस वेले अंबैसी की कॉल आती है मैनेजर के भी पैर हिल जाते हैं, फिर वो सच्चाई दस दिंदा जी एवें जी उवें जी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज, 1 लाख रुपया फाइनेंस का गया बाकी भी गए, खत्म कहानी। बिल्कुल ठीक है गल तो जी। और इसलिए मैं रणबीर जी बच्चों ये गल दसना चाहना कि बच्चों हमेशा हाँ एक कंसल्टेंसी थोड़ा मिलती है ऑन रिकॉर्ड्स, कहना बच्चे वो कहता कि मैं थोड़ा एजुकेशन लोन करा के दाँगा, वेरीफाई होएगा, मेल आई डी देंदा, वेरीफाई करके देंदा, लेट्स ऑल जरूर बंदे नाल करो, हेल्प लो, पर हेल्प लीगल वे नाल लो, इलीगल वे नाल ना लो। उन्होंने तो सीख लो कि तुहाडे घर दे विच जिन्नी इनकम सोर्स हैगी है, तुहाडा घर हैगा, तुहाडे कोल तनखाह आउंदी है, खेती तो पैसे आते हैं, डेयरी तो आते हैं, कोई घर दे विच कोई जॉब करता हैगा, जां छोटी छोटियां चीज़ां जिहड़ियां सानूं नहीं पता होंदियां कि असीं कोई पॉलिसी लई हुई हैगी है, या कितों साडा इनकम छोटा मोटा सोर्स हैगा कि उन्हों असीं किवें मैनेज करके फंड शो कर सकते हैं, ये कंसल्टेंसी तुसीं लै सकदे हो किसी तो पैसे दे के। पैसे दे के फंड शो कराना गैर कानूनी है, अपराध है, यह बैन भी लगेगा, और इस चीज़ की तुहानूं आने वाले समय के खमियाजा जिहड़ा तुहाडे बच्चों तक भुगतना पै सकदा, तुहाडा रिकॉर्ड जिहड़ा अंबैसी दे विच खराब हो सकदा है। 2-3 मिनट बचे ने जी, मैं आस्ट्रेलिया वल आऊँगा, किस इनटेक दीआं तैयारियां इस वक्त और आस्ट्रेलिया दे विच जाण लई किस तरह की तैयारी बच्चे नूं करनी पवेगी? देखो आस्ट्रेलिया अज पुराने रुख में वापस, आस्ट्रेलिया वीज़ा सक्सैस रेट अच्छा है, बट कि बच्चों लिए जो डिग्री नू मोटिव बना के जा रहे हैं, चाहे वह जनरल दे विच जा रहे हैं या डबल SBF के अंदर जा रहे हैं। दूजी चीज़ आस्ट्रेलिया दे विच, आस्ट्रेलिया विच पैनिक नहीं होना, आस्ट्रेलिया विच प्रॉब्लम कितने है कि बहुत बार ऑफर लैटर लई जो एडमिशन सैल है वो टाइम ला दिंदा, COE लई टाइम ला दिंदा, बट इत्थे भी जो बहुत वड्डा बच्चे नाल बवंडर सिर्फ ते सिर्फ फंडिंग ते हो रहा है। बहुत हद तक बच्चे नाल की किया जाता है कि ऑफर लैटर मंगा लेते जाती है, बच्चों तो फीस ले लेती जाती है, फीस भरी नहीं जाती, और 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद बच्चे नूं पैसे मोड़ देते हैं, कहते हैं COE नहीं आई, हालांकि COE लई प्रोसैस ही नहीं किया, क्योंकि वो जो एजेंट है वो उनका टाइअप ही नहीं है, वो अलाउ ही नहीं है, वो अपने ना तो फाइल भर सके या COE ले सके। इसलिए बच्चों नूं मैं एक गल समझाउंदा कि COE तो ऑफर लैटर तो बाद आस्ट्रेलिया विच फंड की जरूरत है, पहली चीज़। दूजी चीज़, आस्ट्रेलिया दे विच विदाउट टाइअप्स तो जे फाइल लाओगे तो तुहाडी फीस भी उत्थे नॉन रिफंडेबल हो सकती है, कॉलेज फीस तक रह सकता है। अगर अंबैसी ये लिख के दे देंदी है कि तुसी मिसलीड किया, रीप्रजेंटेशन गलत सी, बैन तो थोड़ी फीस खत्म होएगी होएगी, अगर मिस रीप्रजेंटेशन भी किया जाता तो फीस रुक जाती है। और बच्चों का बहुत वड्डा नुकसान इस पद्धर से होया कि लेट बच्चा रिफ्यूज हो गया, नहीं परफॉर्म कर पाया, कॉलेज तो फीस मंगा लीती गई, बट इंश्योरेंस तो फीस मंगाने का तरीका एजेंट नूं पता ही नहीं सी, एजेंट इंश्योरेंस कंपनीज ते पैनल ते ही नहीं सी, इसलिए वो ऑथराइज्ड ही नहीं सी उन्हां तो वापस मंगाने का, तो मुड़ के फिर लड़दा रहा, फिर फैसले होंदे रहे। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहना कि गो फॉर अ प्रोपर चैनल नाल जाओ और सही तरीके नाल ऑथेंटिसिटी नाल फाइल लाओ। तुसीं जानदे हो कि पिछे जे नोटबंदी हुई उहदे पिछे बहुत सारे लोग खज्जल भी होए, मौतां हुई, पर उहदे पिछे एक मोटिव सीगा कि सारे लोगों नूं
लीगल पाइपलाइन दे विच लेके आउण दा कि जिहड़ी ट्रांजैक्शन हैगी उह सही तरीके नाल हो सके, कार्ड राही प्लास्टिक मनी यूज हो सके, बैंकां च पैसा घुम सके, उहदा सब तों वड्डा फायदा अंबैसियां नूं, इंटरनेशनल जिहड़े कारोबार करदे उहनां नूं फायदा होणा सी, स्टूडेंट्स नूं फायदा होणा सीगा। पर दुखांत है कि अज वी असीं कंसलटेंट्स कोल जांदे आं, उहनूं कैश फीस दिंदे आं, कैश अंबैसी फीस दिंदे आं, कैश अपनी इंश्योरेंस दिंदे आं, सब कुछ कैश दे के रहे। नहीं, अपने खात्यां दे विचों जदों तक तुसीं फीसां नहीं भरोगे उदों तक तुसीं कामयाब नहीं हो सकदे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਭਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।